मैं बनाने जा रही हूँ व्हाइट सॉस पास्ता, इसलिए मैं पहले पास्ते को स्प्रिंग रोल है और मैक्रोनी मिक्स करके बना रही हूँ मैं। इसको हम पानी में बॉईल करेंगे। इसमें हम नमक डालेंगे एक चम्मच और एक चम्मच घी डालेंगे, या ऑयल भी डाल सकते हैं। इसमें हम नमक डाल रहे हैं, ओके घी डाल दिया हमने थोड़ा सा। इसके बाद हमने गैस ऑन किया और इसको बॉयल होने के लिए ऐसे ही रख दिया। जब तक थोड़ा सा कच्चा बचाना है, पूरी तरीके से बॉयल नहीं करना है, 80% हमें मैक्रोनी को और स्प्रिंग रोल को बचाना है। करेंगे ओके, हम कढ़ाई गर्म करेंगे। इसमें हम बटर डालेंगे, जितनी स्पून बटर डालेंगे उतनी ही स्पून हम इसमें मैदा डालेंगे और उसको फिर भूनेंगे। तीन बड़ा स्पून हमने मैदा डाली है इसमें, ओके इसको हम भूनते हैं। इसको हम जब तक भूनेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती है, नहीं तो फिर कच्ची रह जाएगी और इसका ब्राउन कलर जब आने लगेगा, जब ये पता पड़ जाएगा कि हाँ ये अब भून चुकी है, अच्छे से ये शक मैश कर लेंगे और इसको हम भूनते रहेंगे। आपको खुशबू आ जाएगी जब ये पक जाएगी भून के, जब आपको लगने लगेगा कि हाँ ये अच्छे से तरीके से पक गई है, भून गई है। एक साइड ये हमारा पक रहा है मैक्रोनी एंड स्प्रिंग रोल पास्ता। अब इसको हम देखेंगे कितना पका है, इसको हम चाकू से काट के देखते हैं। हाँ हल्का सा, बस ये अच्छे से कट रहा है, ज्यादा मैश नहीं होना चाहिए बॉयल होके। ज्यादा आप बॉयल नहीं करेंगे पास्ता बनाने के लिए व्हाइट सॉस पास्ता में, क्योंकि ये दो बार पकाया जाता है, इसलिए हम इसको ज्यादा नहीं पकाएंगे ओके। बट बस सॉफ्ट होना चाहिए, इतना ही काफी रहता है इसके लिए। अगर ये अच्छे से भुनेगी नहीं तो व्हाइट सॉस पास्ता जब पड़ेगा इसमें तो इसमें स्मेल आएगी कच्ची कच्ची, इसलिए हम इसको बहुत अच्छे से कंसिस्टेंसी के लिए अच्छे से मिक्स करेंगे इसको भूनते हुए। याद रहे इसको हम सिम गैस पे ही या मीडियम पे ही भून सकते हैं ओके। अब हम इसकी गैस ऑफ कर देंगे, ऑलरेडी हो चुकी है, इसको हम रहने देंगे। इसको निकाल के हम छलनी में वॉश करेंगे ठंडे पानी से, सिंपल वाट पानी से भी हम इसको धुल सकते हैं ओके। इसमें अब हम दूध मिलाएंगे व्हाइट सॉस पास्ता के लिए, इसको हम चलाते जाएंगे ओके। इसमें मैंने 2 कप दूध ऐड किया है और थोड़ा थोड़ा डाल के चलाते रहना है, जिससे ये जो भी है ये सब मिक्स हो जाए। इसका प्लम्स जो भी है ये, इसको हम चलाते जाएंगे मिक्स करते जाएंगे। और एक गाढ़ा सा, न ज़्यादा गाढ़ा मिक्सर न ज़्यादा पतला, तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे ओके। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, ये देखो अच्छे से मिक्स हो गया है। इसका मिक्स जब होगा तो हमें एक तरीके का है पता जानने के लिए, ये इसकी कंसिस्टेंसी इस टाइप से होगी और ये बिल्कुल स्मूथ रहेगा ओके। इसमें हम काली मिर्च डालेंगे, नमक डालेंगे 1/2 चम्मच और चिली फ्लेक्स डालेंगे। ये हमने डाला चिली फ्लेक्स, अब हम इसमें डालेंगे इटालियन सीजनिंग डाली हमने इसमें। अब इसमें हम डालेंगे पास्ता सीजनिंग थोड़ा सा। इसको अब हम मैश करेंगे, चलाएंगे, मिक्स करेंगे। देखिए खुशबू आ रही है एंड इसको अच्छे से चलाएंगे। हमने एक पैन लिया है, पैन में हम बटर डालेंगे ओके। बटर डालने के बाद हमने जो ये सब्जी काटी है इनको हम फ्राई करेंगे। इसमें सबसे पहले हम ऑनियन डालने वाले हैं ओके। हमने प्याज काटी है, सब्जी काटी है, आप शिमला मिर्च, छोटी छोटी गाजर सब कुछ डाल सकते हैं, आप जो मर्जी हो। ऑनियन डालेंगे, ज़्यादा ऑनियन नहीं डालने हैं और इसको हमको भूनना है ब्राउन तक, गोल्डन ब्राउन तक भूनना है सारी सब्जियों को। पहले हम हल्का सा ऑनियन को भून लेंगे अच्छे से, फिर सारी सब्जी डाल के मिक्स करके भूनेंगे हम इनको। सब्जी हमें डालनी है, मैंने यहाँ पे पत्ता गोभी, टमाटर, हरी मिर्च और प्याज, ये भी सारी सब्जी यूज़ करिए। आप चाहो इसमें और भी सब्जियाँ ऐड कर सकते हो अपने मन मुताबिक। सब्जी हमारी भून गई है, उसमें हमने डाला है नमक 1/2 स्पून नमक चरक और इसमें हम डालेंगे काली मिर्च पाउडर ओके। काली मिर्च पाउडर डाल के मिक्स करेंगे और इसको गैस ऑफ करके इस साइड में रख देंगे। देखो इधर हमारी सॉस अच्छे से पक गई है, अच्छे से पक गई है। अब इसमें डालने वाले हैं सारी सब्जियाँ। इतनी हमने सब्जी डाल दी है व्हाइट सॉस में, अब हम इसमें डालेंगे पास्ता बनाने के लिए।
एक्रोनी और इसको चलाएंगे अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको लग रहा है आपकी सॉस थोड़ी गाढ़ी हो गई है तो हम इसको एक दो चम्मच इसमें हम डाल सकते हैं मिल्क, गरम मिल्क डाल सकते हैं। और इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, फिर इसको बस थोड़ा सा ही पकाना है डालने के बाद ये सब चीज़ें। ओके सबका और मेरा भी फेवरेट चीज़। अब मैंने इसमें पास्ता डाल दिया, सब्जी डाल दिया, अब इसमें हम चीज़ डालेंगे। ओके चीज़ डाल दिया है, इसको हम अच्छे से चलाएंगे। इसमें अब हम डालेंगे, ये हमारा रेडी हो गया है पास्ता, चीज़ डाला है ऊपर से, ऑरिगैनो, इटालियन सीजनिंग, चिली सीजनिंग, और ये रेडी हो गया हमारा पास्ता। खाइए, मजे करिए।